हेलो फ्रेंड्स, रेल फैनिंग विद अक्षय ये चैनल में आपका वापस स्वागत है। तो मैं आपको अपडेट नंबर 2 दिखाने वाला हूँ। इस अपडेट में आपको देखने को मिलेगा जो रिसेंटली 8 और 9 जैन को सेंट्रल रेलवे ने 36 आवर्स का ब्लॉक लिया था, तो उसका ये अपडेट है। तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि अपडेट कब आएगा, तो अभी मैंने ये अपडेट आपको लेके आया हूँ। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखो और स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, मेरे ताऊ मानसरोवर और मानसरोवर टू ठाणे बहुत लंबा पड़ता है, तो अभी 5:20 का ठाणा ट्रेन लगा है और मुझे जाने के लिए भी बहुत लेट हो रहा है। तो मैं अभी ट्रेन आने तक वेट करता हूँ। और यह हार्बर लाइन पे पड़ता है मानसरोवर स्टेशन, तो ठाणा से मुझे चेंज करना पड़ता है। तो अभी मैं ठाणे जाऊँगा और वहाँ से मैं अपडेट चालू करूँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ठाणा स्टेशन पहुंच गया हूँ शाम के 6 बजे। दोस्त लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो की क्वालिटी ख़राब होने वाली है क्योंकि शाम का टाइमिंग है, तो उसके लिए सॉरी। सो फ्रेंड्स, मैं 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ ठाणे के टुवर्ड्स कल्याण साइड। यहाँ पे हम लोग को ये चेंज देखने को मिला। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 नंबर का जो ट्रैक है और ये 4 नंबर का ट्रैक है और ये 3 नंबर का ट्रैक है, और ये तीनों स्लो लाइन के ट्रैक्स आगे जुड़ चुके हैं न्यू लाइन को। ये देखो सामने फुटेज में दिख रहे हैं न्यू लाइन, और ये बाजू का ट्रैक है वो है नया क्रॉसओवर लगवाया है। क्रॉसओवर यानी ट्रैक चेंज, जो ट्रैक चेंज हो रहा है यहाँ से मेन लाइन को डाउन साइड टुवर्ड्स कल्याण, वो भी नया लगवा दिया है। और सामने दिख रहा है आपको WDS 6 का मेंटेनेंस रेक, जो कि स्लो ट्रैक पे है, जो कि उसका काम चालू है स्लो ट्रैक्स का। और ये देखो विस्टाडोम कोच, और ये है डेक्कन एक्सप्रेस जिसको लेके आया है कल्याण वेब 7। ये जा रहा है टुवर्ड्स CSMT की तरफ, और ये ठाणे स्टेशन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म का व्यू टुवर्ड्स कल्याण साइड से। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ठाणे से मुंब्रा ट्रैवल करेंगे, और ध्यान से देखो अपडेट। सो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं न्यू लाइन की तरफ। ये हम लोग न्यू लाइन की तरफ आ गए, और ये देखो सामने फुटेज में दिख रहा है आपको WDS 6 मेंटेनेंस रेक के साथ। और ये मैं पुराना वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पुराना वीडियो जो बिफोर वाला वीडियो है, तो तब देखो ये लाइन का काम चालू था और हम लोग स्लो लाइन के ट्रैक से जा रहे थे। ये खास करके उनके लिए मैं वीडियो दिखा रहा हूँ जो ये चैनल पे नए हैं। सो फ्रेंड्स, ये आफ्टर वाला फुटेज, इसमें देखो आप ये मेंटेनेंस का काम चालू है, और ये बाजू में जो स्लो ट्रैक्स है हमारे जो पुराने वाले ट्रैक्स, उनको अभी जो CSMT से ठाणा जो फास्ट ट्रैक्स आने वाले उनको ये कनेक्ट करने वाले। और ये देखो JCB, तो देखो ये काम चालू है। और ये देखो सबसे बड़ा चीज़, क्रॉस ओवर पॉइंट्स मीन्स जब हमारी ट्रेन फास्ट ट्रैक से स्लो ट्रैक आती है या स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक जाती है, तो उसको क्रॉसिंग बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सिंपल स्टेटमेंट में समझाया, तो उसको एक्चुअल में क्रॉस ओवर पॉइंट्स बोलते हैं। सो आगे अपकमिंग मेगा ब्लॉक आने वाले हैं 23 जनवरी का और 30 जनवरी का, तो उस टाइम सेंट्रल रेलवेज ओनली क्रॉस ओवर पॉइंट्स के ट्रैक्स बिछाएंगे, यानी कि न्यू लाइन्स मतलब फास्ट ट्रैक टू स्लो ट्रैक्स और स्लो ट्रैक टू फास्ट ट्रैक, ये क्रॉसिंग्स लगवाएंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट्स। तो उसका उस ब्लॉक में कवर करने वाले 2 ब्लॉक्स जो आने वाले, जो मैं बता चुका हूँ। और सबसे लास्ट मेगा ब्लॉक आने वाला है सबसे बड़ा 72 आवर्स का, 4th फेब से 6th फेब तक पूरा काम करने वाले, उसमें फुल फास्ट ट्रैक्स का पूरा लाइन्स जोड़ने वाले दीवा टू ठाणे। और ये देखो यहाँ पे स्लो लाइन्स के ट्रैक्स कट कर दिए,
तो इसको अभी न्यू फास्ट ट्रैक्स जो बने हैं बिछा चुके हैं तो उनको कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह जो अपकमिंग मेगा ब्लॉक आएगा लास्ट वाला 72 आवर्स का, जो दीवा के क्रॉस ओवर पॉइंट से, यानी कि जो फिफ्थ और सिक्स लाइन्स कल्याण टू दीवा तक आई है, तो उनको पारसिक वाले जो हमारे ओल्ड ट्रैक से पार्सल टनल से जो गुजर रहे, जो ठाणे से दीवा तक है ओल्ड ट्रैक्स फास्ट ट्रैक्स, तो उनको जोड़ेंगे। और जो हमारे पुराने स्लो ट्रैक्स है वो आएंगे टुवर्ड्स मुमरा साइड से, जो कि फास्ट में कन्वर्ट होने वाले। तो इसी तरह सब कुछ होएगा आफ्टर 6 फेब। सो गाइस, कलवा स्टेशन आ चुका है, तो कलवा स्टेशन का पूरा व्यू मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलो फिर देखते हैं कलवा स्टेशन का न्यू प्लेटफॉर्म। मैं अभी उतर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं कलवा स्टेशन उतर चुका हूँ और मैं आया हूँ न्यू प्लेटफॉर्म पे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और सामने देख रहे हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, फॉर अपकमिंग फ्यूचर में जो फास्ट ट्रेन आने वाली है उनके लिए। ये पूरा नया प्लेटफॉर्म वो लोग ने बनाया है और लाइन्स का ट्रैक्स का काम तो पूरा हो चुका है और प्लेटफॉर्म का भी काम पूरा हो चुका है और ट्यूबलाइट्स वगैरह वो लोग ने सब कुछ लगा दिया है, खाली इंडिकेटर लगाने का काम अभी बाकी है। और ये जो सामने देख रहे हो ये है ओल्ड प्लेटफॉर्म और हम लोग ये न्यू प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। देखो ये न्यू प्लेटफॉर्म है, न्यू फास्ट ट्रैक्स। 95% इसका काम पूरा हो चुका है और आप देख रहे हो ये फुटेज में पूरा काम हो गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हो ये स्लो लाइन है एज इट इज़, ओल्ड प्लेटफॉर्म है और स्लो लाइन है, और यहाँ पे देख रहे हो आप ये फास्ट ट्रैक्स है और फास्ट ट्रैक्स का न्यू प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया ब्रिज पे और मुझे दिखा क्या, कलवा कार शेड। तो मैं आपको कलवा कार शेड दिखाने वाला हूँ और ये देखो ये ब्रिज से मैं व्यू ले रहा हूँ और ये जो कोच देख रहे हो ये BHEL का कोच है, जो भेल रेक पहले दौड़ा करते थे सेंट्रल लाइन्स पे, ये उसका कोच है और उसको जोड़ा गया है। साइड में देखो, साइड में आपको दिख रहा है ये है जेसॉप कोच। ये जो लिवरी दिख रहा है रेड वाला, ये लिवरी का जो पहले रेक्स थे रेट्रोफिटेड रेक्स, प्योर एसी करंट पे चलते थे 25 kV, तो ये ओनली ट्रांस हार्बर लाइन पे चलते थे और पहले ये लोग ने सर्विस सेंट्रल ट्रेंस पे मेन लाइन पे भी दिया है। तो बहुत बुरा लग रहा है इनको ऐसे पढ़ते हुए, लेकिन क्या करें, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ती जा रही है और अभी इनकी लाइफ भी ख़त्म हो गई है तो ये ऐसे ही कारशेड में पड़े हैं। सो सेंट्रल वे के पास और 3 रेट्रोफिटेड रेक बची है जो कि फ़िलहाल फाइन कंडीशन में है, तो उनको एज अ बैकअप सर्विस करके ट्रांस हार्बर लाइन पे भेजते हैं, लेकिन हर वीक में एक एक रेक भेजते हैं क्योंकि मेंटेनेंस के लिए उनके पार्ट्स बनाना और लगाना भी मुश्किल है। अभी ये ओल्ड हो चुकी है तो इसके पार्ट्स अभी बनाना मुश्किल है। अभी फ़िलहाल ट्रांस हार्बर लाइन पे सेंट्रल रेलवे के पास 12 सीमेंस रेक्स है और उसमें ये लोग एक रेट्रोफिटेड रेक ऐड करते हैं एज अ बैकअप सर्विस। टोटल CR के पास 3 रेट्रोफिटेड रेक बची है, उसमें से एक एक करके वो लोग ट्रांस हार्बर लाइन पे भेजते हैं। और आने वाले दिन में आपको शायद वो भी देखने को ना मिले क्योंकि CR ने बहुत सारी रेट्रोफिटेड रेक्स अभी फेज आउट कर दिए, अभी बची है 3, तो उनको भी आने वाले दिन में फेज आउट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी रेट्रोफिटेड ट्रेन की कहानी, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रहा हूँ मुमरा और ये ट्रेन आ गई है कल्याण, तो इससे मैं बोर्ड होके जाऊँगा मुमरा की तरफ और मुमरा का पूरा फुटेज आपको दिखाता हूँ। फाइनली मैं मुमरा स्टेशन पहुँच गया हूँ और ये है नया प्लेटफॉर्म और दूसरी तरफ ये है ओल्ड प्लेटफॉर्म। और ये जो हमारी ओल्ड स्लो लाइन्स है जो कि फास्ट ट्रैक्स में कन्वर्ट होने वाली है, ध्यान से देखो ट्रैक्स पे नए नए स्लीपर्स और जो स्टोन्स है उनका प्रॉपर फिटमेंट और वो सब काम अभी चालू है। यहाँ से अपकमिंग फ्यूचर में फास्ट ट्रेन्स रुकेंगी और मुमरा स्टेशन में भी बहुत डिमांड आएगा आगे फास्ट ट्रेन रुकने से।
मुमरा आओगे तो मुमरा में सबसे बेस्ट स्पॉट है और बेस्ट वर्शिप टेम्पल है। भाइयों बहनों यहाँ पे ज़रूर आओ और ज़रूर विज़िट करो, मुमरा देवी का टेम्पल है। और ये नाइट का व्यू दिख रहा है, देखो पहाड़ पे मंदिर है, कितना मस्त दिख रहा है। सो इसी तरह ये ओल्ड प्लेटफॉर्म आपने देख लिया और ये है न्यू प्लेटफॉर्म, और ये न्यू प्लेटफॉर्म पे हमारी स्लो ट्रेन आ चुकी है। सो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स थाना और मैं आपको नाइट व्यू दिखाऊंगा न्यू लाइन से, पूरा मुमरा का नाइट व्यू, और आप नाइट व्यू का आनंद उठाओ, मजे लो। मैं पूरा नाइट व्यू दिखाता हूँ और मैं अभी निकला हूँ मुमरा से, तो अभी चलते हैं नाइट व्यू देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों मून व्यू, और हम लोग है अभी न्यू मुमरा स्लो लाइन के फ्लाईओवर पे। तो आप अभी नाइट सिनेमैटिक का मज़ा ले लो और देखो। फ्रेंड्स मैं थाना पहुंच गया हूँ और ये क्या देख रहा हूँ, मैं कोच में आया तो स्टार्टिंग में मुझे लगा भाई ये फर्स्ट क्लास तो कोच नहीं है, लेकिन बाद में दिखा कि ये मोटर कोच है और मोटर कोच में ये गद्दे वाली सीट्स जो कि लगाई गई है। तो आपने भी कभी नोटिस किया रहेगा, आपको भी लगा रहेगा कि भाई मैं फर्स्ट क्लास में तो नहीं आया हूँ, तो ये है मोटर कोच। तो बहुत अच्छा हुआ मेरे को ये ट्रेन मिल गई और कोच भी अच्छा मिला और गद्दे वाली सीट्स मिली, तो गद्दे वाले सीट्स पे अभी मैं ट्रैवल करके जाऊंगा मानसरोवर पे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे का अपडेट नंबर 3 व्लॉग नंबर 3 आने वाला है। और मुझे संडे का टाइम ही मिलता है तो मैं संडे में ही शूट करता हूँ सब और व्लॉग बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।